गार्ड नै रहेछ एक जनाको 100 रुपैयाँ पछि के भने हो एक जनाको त 1500 नमस्कार संपूर्ण देशवासी के हमारे नाम दिनेश कुमार भाई हमारे गांव है गांव पालिका ब्रह्मपुरी गांव नुकैलवा हमनी के विदेश में बहुत दुख भेले ते दुख भेले कि हमनी सब पढ़ नहीं सके छी जते दुख भेले हम सरोज भाई सर से हम संपर्क कैली कि सर हमरा एना हमरा ऊपर विधा पड़ल है सर हमरा बहुत सहयोग कलके हमारे लिए भगवाने दाखिल है भगवाने लेखा हम हमरा लिए है हम सब आत्महत्या भी करे जात रही सर समझल कि आत्महत्या न कर एक जना वही कंपनी में आत्महत्या करके मर गए हमरा सरोज सर जी कहल कि बुआ तू आत्महत्या न कर तोरा बुलाबे के हमर जिम्मेवारी है सर हमनी के पहल करके जेना तेना बुलवा दिल्क छः महीना गेला भे गए एगो रुपया न हमनी सबके कमैली हमनी सबके ते दुख होल कि इतना दुख कहू के न चाहिए हमनी के दुखे दुख रहे हमनी सबके दुखे दुख न खाए के पैसा न रहे के पैसा रहे न पानी न गैस कुछ न नहाए के दुखे दुख रहे इतने कही तो सरोज सर से विनती कैली हमारा सरोज सर मंगा दिलक घूमे के लिए सरोज सर से हम कही छी कि हमारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सर यहाँ बोलवा दिल नेपाल में हम सब पूछ नाम कथी भेल वीरेंद्र कुमार यादव हाँ एक डारा गांव पंचायत मोतरी हमारे मोतरी पड़ी खरवानी गांव खरवानी नमस्कार म सरोज राय वहाँ करीब 6 महीना पहले दुबई पुगे थी यहाँ बा मेन पावर पकेट संग करीब 2.5 लाख 2.5 लाख जी रुपया लिये वहाँ पठाए तो त्यागे वहाँ काम भी दिएन पैसा भी दिएन रो ठाव में गए राख दियो जहाँ न खाना को व्यवस्था न पानी को व्यवस्था वहाँ बेचारा फोहर पानी खाए बस्ना बाध्य भएका थिए वहाँ ते पच्छी मैं वहाँ को ग्रुप को फोन आए र दिनेशसँग निरन्तर मेरो सम्पर्क भइरहन्थ्यो उसलाई म निरन्तर हौसला दिइरहन्थे कि तिमीहरु केही यस्तो कदम नउठाउनु हामी यहाँ नेपालबाट पहल गरिरहेका छौ उसलाई जुन म्यान पावरले पठाएको थियो यो 4 म्यान पावर चाहिँ यही काठमाडौँको हो उसलाई पनि निरन्तर दबाब दिइराखेको थिए उसको गाउँकै वरिपरिको एजेन्टहरु पनि छ एजेन्टहरुलाई पनि दबाब दिइराखे कि आज उहाँहरु सुरक्षित नेपाल आइपुगेछ तर यहीँनिर यो कथा समाप्त हुँदैन उहाँहरू आयो यो होइन उहाँहरूले जुन पैसा त्यो एजेन्टहरू म्यान पावरहरूलाई दिएको छ त्यो एजेन्ट र म्यान पावरले त्यो पैसा उनीहरूलाई फिर्ता दिनुपर्छ क्षतिपूर्ति सहित फिर्ता दिनुपर्छ हामी अब अगाडिको लागि पहल गर्छौँ वैदेशिक रोजगार विभाग प्रहरी कहाँ गएर निवेदन दर्ता गर्नुपर्छ हामी गराउँछौँ र तपाईँहरू विदेश जानुहुन्छ भने विदेश जानु आगावै सबै कुराहरू कृपया एकदम ध्यान पुर्याउनुहुन्छ कुन एजेन्ट मार्फत गइरहनु भएको छ कुन एजेन्टलाई पैसा दिइरहेको छ कुन म्यान पावर हो कहाँ पठाइरहेछ सप्लाईमा पठाइरहेछ कि धेरै जसोलाई आजकल सप्लाईमा पठाइदिन्छ सप्लाईमा भुलेर पनि नजानुस् अहिले भर्खरको घटना हो 31 जना एकजना अशोक चौधरी भन्ने सर्लाहीको ढुङ्गेधारा हरिवन वार्ड नम्बर 9 ढुङ्गेधारा बस्ने अशोक चौधरी 31 जनाको 70 लाख रुपियाँ लिएर दुबई भागी गए र त्यसको लागि पनि हामी आवाज उठाइरहेछौँ मलाई धेरै खुसी लाग्यो कि दिलीप भाई लगायत उहाँहरू सकुशल नेपाल आइपुग्नु भयो यहाँ सबै बहुत बहुत अति आवाज नेपाललाई लिए बढिआँसँग एना आँख बन्द गर्के कुनै एजेन्टपर विश्वास गर्के एना गर्के नै जान सर ल हो त्यो धन्यवाद भगवान अली सर भगवान ऊपर काम करो।